आप लोग उत्तराखंड से आए हैं और बहुत बड़े पैमाने आप बहुत अच्छे पैमाने पे काम कर रहे हैं, आपने जेल भी काटी समाज के लिए, तो ये आप जब समाज का काम करते तो आपके एक अंदर पीड़ा प्रकट होती है कि मेरे साथ समाज नहीं जुड़ रहा है, आपके साथ समाज जुड़ रहा है क्यों नहीं जुड़ रहा, क्या कारण है? कारण तो बहुत सारे हैं। देखो सबसे बड़ा कारण तो ये है कि हमने दुकानें तो बहुत सारी खोल ली, दुकानें खोल खोल के बैठ गए हम लोग, लेकिन काम करना कोई पसंद नहीं करता। मुजफ्फरनगर के अंदर लुहारी गांव में एक मतलब हमारे समाज की बेटी के साथ बलात्कार कर दिया गया और उस बच्चे के 3 टुकड़े कर दिए गए। हम किसी वहाँ से किसी संगठन ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, उस टाइम सब संगठन सोए हुए थे। हम युवाओं की टीम गई उस गाँव में क्राइम ब्रांच वालों के साथ, उस लड़की की डेड बॉडी और उस बच्चे की बॉडी ढूंढवाई, लेकिन पुलिस फिर भी सो गया क्योंकि प्रशासन को पर से वो था दबाव था। उसके बावजूद हमने वहाँ पे डीएम के यहाँ ज्ञापन दिया धरना प्रदर्शन का, जब जाके वे दो मुस्लिम लिगड़े दोनों वे अरेस्ट कर लिए गए, उन्हें जेल भिजवाया गया। उसके बाद फिर उत्तराखंड में हमारे समाज की दो बेटी बेचारी जो कोल्लू और कलेसरों में काम करते कायदे में देखे गरीबी वहाँ है, जो आज हमारे समाज के लोग बेचारे कोल्लू में जा जा के काम कर रहे हैं और भट्टों पर काम कर रहे हैं, उन लोगों की उनके ऊपर तेजाब गिर दिया गया। 3-4 लड़कों ने जो बजरंग दल के थे उत्तराखंड के अंदर जिला हरिद्वार में, उनके ऊपर तेजाब करा, उनके साथ बलात्कार करने की कोशिश करी, लेकिन किसी संगठन ने आवाज़ नहीं उठाई। मैं तो यही कहना चाहता हूँ इस समाज को और इन संगठन वालों को कहना चाहता हूँ कि स्टेजों पर चढ़ के बोलने से कुछ बेनिफिट नहीं होगा, समाज के बीच में जाओ, उनकी पीड़ा सुनो और उनकी समस्याएँ दूर करो। उसके बाद हम लोग अब 1 जुलाई को यानी कि 1 जुलाई को हम उत्तराखंड के अंदर जिला हरिद्वार एक गुरुकुल नारसन पड़ता है जो मंगलोर विधानसभा में लगता है, वहाँ लगभग हमारी जो अपनी टीम लगी हुई है जो अपने युवा लड़के जो किसी संगठन से नहीं है, हमने भीम युवा संगठन बनाने की कोशिश करी थी लेकिन उसमें हमें किसी संगठन से कोई कोऑपरेट नहीं करा। उसके बाद हमने सोचा हम किसी संगठन के लिए कोई काम नहीं करेंगे, हम करेंगे अपने दलित समाज के लिए, क्योंकि संगठन तो बहुत सारे बना लाए, बिक जाओ 2 मिनट में, बिकने में कोई कसर नहीं छूटती इनके, 2 मिनट में सौदा करके बैठ जाएंगे, लेकिन हम जो हमारी टीम युवाओं की टीम है लगभग 10,000 लड़के, मैं गारंटी लेता हूँ उत्तराखंड के अंदर 10,000 लड़कों की टीम बनाकर बैठा हुआ हूँ और हम 1 जुलाई को दिखा देंगे कम से कम अपने समाज की दलित समाज की 100 लड़कियों की हम शादी करा रहे हैं वहाँ पे। और जितने इस बार में 2018 में स्टूडेंट हमारे छात्र छात्राएं उत्तराखंड और यूपी के बच्चों को हम बहुत अच्छे तरीके से सम्मानित भी करेंगे और रात को बाबा साहब की भीम विचार गोष्ठी का जो हमारा टारगेट है वो 2.5 लाख आदमी इकट्ठा करने का है, जब हम वहाँ पर आवाज़ उठाएंगे चाहे वो ऊना कांड हो, चाहे वो हमारे जो हमारी उड़ान फिल्म है जो जिस पर बैन लगाया हुआ उड़ान फिल्म उसका मुद्दा बिठाएंगे और भारतीय सेना में चमार रेजिमेंट का बहाली के लिए भी आवाज़ उठाएंगे और सब वीरपुर के मैं स्पेशल एक चंद्रशेखर के लिए आवाज़ नहीं उठाने वाला, मैं पूरे समाज के लिए आवाज़ उठाने वाला, क्योंकि चंद्रशेखर के साथ साथ पत्नी कितने अन्य लोग बेचारे आज जेल में सड़े, 3 बंदे सोनू मैं नाम बता देता हूँ किसी को पता भी नहीं होगा, मंका जो प्रधान है शिव कुमार, दूसरा है सोनू, वे 3 आदमी आज रासू का जेल है, लेकिन उससे पहले जिन पर लठ बजा है उनसे तो कोई मिलने तक भी नहीं गया जेल में, हम लोग गए थे जेल में मिलने। अभी आपने दुकानों की बात की कि कुछ लोग इकट्ठे होते हैं 10-5 लोग इकट्ठे हो जाते दुकान खोल लेते हैं, लेकिन दुकानों के अंदर वो अपनी दुकान का माल नहीं बेचते बल्कि दूसरे की दुकान का माल गंदा बताते हैं, ये तो देखो पुरानी स्थिति बनी हुई है एक दूसरे की, अगर हमारे समाज में सारे संगठन एकजुट होकर एक दूसरे की टांग खिंचाई ना करें और एक दूसरे को सपोर्ट करें तो ये समाज आगे बढ़ सकता है, क्योंकि सबसे ये समाज को क्या गाइडेंस करेगा एक दूसरे की टांग खिंचाने में फुर्सत नहीं है। रियल तो बात यह है भीम आर्मी की समता सैनिक दल की बुराई करेगा, समता सैनिक दल भीम सेना की बुराई करेगा, भीम सेना उसकी बुराई करेगा, जब तक ये आपस में टांग खिंचाई बंद नहीं करेंगे और एकजुट नहीं होकर ताकत दिखाएंगे तब जाके हमारा समाज, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सभी लोग एकजुट हो और ये हमारे भाई जिस तरीके से संगठन बने हुए हमारे सीनियर है इन लोगों को हमें गाइडेंस करना चाहिए, हम जैसे युवा लगे हुए हैं हम लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए, अगर ये लोग हमारे समाज को कोऑपरेट करें तो शायद हमारा दलित समाज बहुत अच्छी ऊंचाई उछाल सकता है, लेकिन अब प्रशासन को भी पता है सरकार को पता है कि हमारे समाज में कितना फटा हुआ है और हम लोगों की क्या कमजोरी है, सिर्फ टांग खिंचाई और फूट, उनका अंग्रेजों ने कहा था कि फूट गिरो राज करो, लेकिन ये मनुवादी कह रहे हैं कि फूट गिरो राज करो और संगठन बनाओ। जय भीम जय भारत।